नमस्कार, मैं इसमें तो आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। और इस वक्त बरेली की एक जो बड़ी खबर आ रही है, बरेली में एक नया लफ्जियात का मामला सामने आया है। ये मामला थाना फरीदपुर का बताया जा रहा है, जहां पर एक आसिफ नाम के युवक ने आकाश बनकर एक लड़की को फंसाया और उसके बाद उससे दुष्कर्म किया और उसके बाद अब उस पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने लगा। जिसके बाद जब ये खबर उसके घर वालों को पता चली तो उसके बाद ये मामला थाने पहुंचा और जिसके बाद अब पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी है और लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही आपको बताएं कि प्रदेश में जिस तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मामले जब सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठते हुए दिख रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर बात की जाए तो अपराधियों में इन कानूनों का कोई खौफ ही नहीं रह गया, जिसके चलते वो लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण बरेली राजकुमार अग्रवाल ने बताया, फरीदपुर में एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया जाने तथा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने के संदर्भ में अभियोग 376 IPC पॉस्को एक्ट तथा धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया था, जिसके अभियुक्त को आसिफ को आज थाना फरीदपुर के द्वारा गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है तथा आवश्यक विशेष कार्रवाई संपन्न कराई जा रही है। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है।